सो हेलो एवरीवन, कैसा आप सब? मेरा नाम मीत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, समझो आपकी एग्जाम है क्या, वो पोस्टपोन हो चुकी है। तो जो एक मेजर चंक ऑफ पीपल है जो मतलब टेंशन में पड़ रहे थे वो धीरे धीरे पढ़ना छोड़ देंगे, ठीक है? और वो सब न्यूज़ के पीछे या फिर यूट्यूब चैनल के पीछे पड़ जाएगी कि मतलब कब पोस्टपोन हो गई, आज कौन सी मीटिंग हुई, कल कौन सी मीटिंग होने वाली है, ये सब के पीछे और अपना टाइम वेस्ट करेगी और ये सब चीज़ करके खुद की पर्सेंटाइल गिराएगी, ठीक है? सो अगर आपको अपने इस टाइम पे जो आपका पोस्टपोन गया उसमें अगर आपकी पर्सेंटाइल बढ़ानी है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपकी पर्सेंटाइल गिरने वाली है। क्यों? क्योंकि आप तो टाइम पास कर रहे हो, पर जो दूसरे लोग हैं वो तो पढ़ रहे हैं ना, ठीक है? वो इस टाइम का फायदा उठा रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं, तो आपको भी पढ़ना चाहिए क्योंकि अगर आपको पर्सेंटाइल बढ़ानी है, ठीक है? दूसरी चीज़ कि कंसिस्टेंट रहो, ठीक है? अब जैसे इन्होंने छोड़ दिया कि पढ़ना है, मतलब बाद में है, देखिए आराम से, टेंशन नहीं है, अगले महीने होने वाला है या कुछ ऐसा, ठीक है? तो उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ दी, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी, ठीक है? किसी चीज़ आपको प्रेडिक्शन नहीं करनी, क्योंकि किसी और की प्रेडिक्शन नहीं देखनी, क्या यूट्यूब चैनल से जाकर देख रहे हो कभी होने वाला है और वो प्रिडिक्ट करके बता रहा है हाँ इस तारीख को होने वाला, इस महीने होने वाला, एंग में होने वाला, क्या नहीं नहीं देखना, कुछ मतलब नहीं, क्या होगा तब अनाउंस हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और आपके दोस्त बहुत सारे सब बता देंगे आपको, ठीक है, समझे? तो टेंशन मत लो सबका, जब उनको हैंडल करना है तो आप सिर्फ पढ़ो, समझे? Thanks all for this video. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए।